हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं फूड पैराडाइज मीनू और आज मैं बना रही हूँ आलू के सिंपल पकोड़े, जो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो बहुत सिंपल बनाऊंगी मैं ये। तो इसके लिए जो जो सामान हमें चाहिए मैं दिखा देती हूँ आपको। एक कटोरी मैंने यहाँ बेसन लिया है, चार आलू ले लिए हैं और नमक, मिर्च और गर्म मसाला। बस मसाले हम यही लेंगे और तलने के लिए ऑयल या रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं बेसन को डाल दूंगी। अब इसमें थोड़े से मिर्च डाल देंगे हम हल्की सी, जितना आपको पसंद हो, जितना आपको खाना हो उस हिसाब से आप डालेंगे। और यहाँ थोड़ा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ मैं। इसको थोड़ा हम पतला घोलेंगे, जैसे हम चीले का बेसन घोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इस तरह से घोलूंगी इसको। बेसन को हमने इतना पतला रखना है ऐसा, तो पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और बेसन हमारा रेडी हो गया, इसको हम रख देंगे। आलू को छील के तैयार कर लेंगे। और गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है। आलू को मैंने देखो बारीक-बारीक कह रही हूँ, गोल गोल काट लिए। ये धो के मैंने गोल गोल, जैसे चिप्स के लिए आलू काटते हैं, इस तरह से काट लिए। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को अच्छे से पकने देंगे, पकौड़े बनाएंगे हम इसके। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। तो ये बैटर है, तो बैटर में एक एक आलू का पीस लेके मैं ऐसे डिप करूंगी, ऐसे डिप करके अब इस तरह से इसको डाल दी जाऊंगी। बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं खाने में। इसको धीरे धीरे पलट देंगे, देखिए कितने अच्छे बने हैं। देखिए मैंने सारे पकौड़े पलट दिए। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये हमारे पकौड़े सिक चुके हैं, अब इसको गैस बंद कर देंगे, पकौड़ों को उतार लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे पकौड़े बने हैं, सिंपल। और यहाँ मेरे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। मैंने इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है, तो आप सॉस के साथ भी बच्चों को दे सकते हो। तो इसी तरह बच्चे पसंद करते हैं सिंपल सोबर पकोड़े, आप भी बनाइए, खिलाइए बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते हो। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।